नमस्कार साथियों, मैं उत्तम और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जेई क्लासेस मेरठ पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप हमारे साथ पढ़ रहे थे ज्योग्राफी और हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था चंद्रमा के बारे में। आज हम पूरी तरह से जानेंगे चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता कैसे कैसे है। तो चंद्रमा की कलाओं के बारे में आज हम विस्तृत तरीके से जानेंगे कि चंद्रमा की कलाएं किस किस तरीके से होती हैं, कि क्या होता है कृष्ण पक्ष, क्या होता है शुक्ल पक्ष, क्या रीजन होता है कि सूर्य ग्रहण लगता है और क्या रीजन होता है कि चंद्र ग्रहण लगता है ना। तो आगे बात करें किसके बारे में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में। तो साथियों चले शुरू करते हैं। देखो ये तो हमारा क्या हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य की किरण क्या आती है पृथ्वी पर, है ना। ये अवस्था होती है किसकी, सूर्य ग्रहण की। तो जैसा कि मैंने आपको पहले पहली क्लास में बता चुका था कि जब सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है चंद्रमा, तो क्या पड़ता है सूर्य ग्रहण, और वो समय होता है दिन का, है ना। तो जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ये कुछ ब्लैक ब्लैक से दिखाई दे रहा है, तो इसका आप अनुमान ले सकते हैं कि चंद्रमा पर क्या हो रहा है कि चंद्रमा पर रोशनी नहीं आ रही। वास्तव में चंद्रमा पर रोशनी आ रही है लेकिन जिस हिस्से को हम देख पा रहे हैं उस हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ रही है। इसका जो ये कैसा है गोलाकार है, तो इसके पिछले वाले हिस्से पर रोशनी पड़ रही है लेकिन इसके आगे वाले हिस्से पर जिससे हम पृथ्वी से इसको देख रहे हैं फेस कर रहे हैं इस वाले हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ रही है। इसी कारण हमें इस वाले हिस्से को, जैसे ये चंद्रमा यहां से कलाएं करेगा और ये बढ़ेगा किसकी तरफ, तिथियों की तरफ, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी की तरफ, तो यहां पर थोड़ी सी रोशनी पड़ेगी इस वाले हिस्से पर, है ना। तो थोड़ी सी रोशनी पड़ने के बाद ये वाली इस पर अट्रैक्ट क्या करती है, तो पृथ्वी पर इतना चंद्रमा दिखाई देगा, फिर क्या पड़ेगा ज्यादा पड़ेगा तो ज्यादा दिखाई देगा, फिर थोड़ा और ज्यादा पड़ेगा फिर और ज्यादा दिखाई देगा, फिर थोड़ी और ज्यादा रोशनी पड़ेगी तो थोड़ी और ज्यादा रोशनी दिखाई देगी, और अंत में फिर इतनी पड़ेगी तो इतनी दिखाई देगी। और जब सीधी सीधी सूर्य की रोशनी चंद्रमा कर जो हम फेस देखते हैं उस पर पड़ती है तो संपूर्ण रूप से हमें चंद्रमा पर रोशनी दिखाई देती है। लेकिन अब भी इसका जो पिछला वाला हिस्सा है उस पर क्या है रोशनी दिखाई नहीं देती है, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं ना, क्योंकि जिस हिस्से को हम देख रहे हैं उस हिस्से पर रोशनी पड़ रही है ना। फिर ये ऐसे ऐसे कलाएं करेगा तो फिर ये क्या करेगा साथियों कि इस वाले हिस्से पर रोशनी क्या होगी कम पड़ेगी, फिर थोड़ी सी कम हो गई, फिर यहां पर थोड़ी सी ज्यादा कम हो जाती है, फिर यहां पर थोड़ी सी ज्यादा कम, यहां पर थोड़ी सी ज्यादा कम, और यहां पर साथियों थोड़ी थोड़ी ज्यादा कम होती चली जाती है। और जब इंटरफेस पूरा हो जाता है सन के बीचों बीच में आ जाता है तो रोशनी कम पड़ती है, बिल्कुल पड़ती ही नहीं है साथियों, है ना। तो अमावस्या की इसलिए रीजन होता है कि चंद्रमा के पिछले वाला हिस्से पर रोशनी पड़ती है और अगले वाले हिस्से पर रोशनी नहीं पड़ती है। तो रीजन यही होता है कि अमावस्या को काली रात होती है क्योंकि जिस हिस्से को हम देख पा रहे हैं उस हिस्से पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। तो आपको पता होगा कि चंद्रमा का स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से ही क्या होता है चमकता है ना, इसी के द्वारा ये हमें रोशनी प्रदान करता है। तो पिछले वाले हिस्से पर रोशनी पड़ रही है, आप देखेंगे कि अगर दीवार के शीशे पर शीशे के पीछे से टॉर्च मारेंगे तो कोई नहीं आएगा, है ना, लेकिन शीशे के अगले वाले हिस्से पर आ रहेंगे तो फिर रोशनी क्या करेगी रिफ्लेक्ट करेगी। उसी कारण से साथियों अगर हम पीछे वाले हिस्से पर मारेंगे तो हमें रोशनी नहीं मिलेगी, लेकिन हम सामने वाले हिस्से पर मारते हैं तो यहां से रोशनी टकराकर पृथ्वी तक पहुंचती है ना। तो हमने जाना कि थोड़ी देर के लिए हम क्या कर देते हैं, जैसे देखो ये चंद्रमा की कलाएं हैं, अब हम इस चीज को मानने तो बाकी सारे ये हमारे लिए माइंड से क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे, क्योंकि तो चंद्रमा तो एक ही है, ये मैंने विभिन्न तरीके से दिखाया है कैसे कैसे ये कलाएं करता है या फिर घूमता है। तो साथियों जैसे कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां से क्या हो रहा है सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी, तो एक कंडीशन बताई थी कि जब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में क्या आ जाता है चंद्रमा, तो उस दिन क्या पड़ता है सूर्य ग्रहण, तो उस दिन पड़ता है सूर्य ग्रहण और होता है दिन का समय। अब देखो साथियों इस वाले को याद रखेंगे बाकी सभी को भूल जाओ, ये हमारे माइंड में है ही नहीं, तो सिर्फ ये वाला और ये वाला। सूर्य तथा पूर्णिमा के बीच में क्या पड़ता है, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब पड़ता है क्या, एक शब्द में जाने तो पड़ता है चंद्र ग्रहण। तो हमने आगे क्लास पिछली वाली क्लास में डिस्कस किया था कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब समझा था, अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझा है ना। तो डायग्राम के थ्रू हमने बताया कि हम सारों को भूल जाएंगे, हम इसको याद रखेंगे इसको और इसको, है ना। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो पड़ता है सूर्य ग्रहण और दिन होता है अमावस्या का। लेकिन जैसे ही साथियों सूर्य तथा
चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो क्या पड़ता है, चंद्र ग्रहण और समय होता है रात का, है ना। ये दोनों रिंग की भांति दिखाई पड़ते हैं उस समय जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है। ये तो हमारा सूरज है लाल कलर में, पृथ्वी हमारी नीली होती है, पानी का अधिकतर कारण पृथ्वी पर लगभग 71% क्या है, जल है, तो ये हमें नीली दिखाई पड़ती है ना। अंतरिक्ष से अगर हम देखेंगे तो ये नीली दिखाई देगी, यही कारण है कि हम इसे ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। तो चंद्रमा से आगे हम पृथ्वी के बारे में बात करेंगे, उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। देखो तो यहां पर देखेंगे पृथ्वी से दूरी 384,000 किलोमीटर है चंद्रमा की दूरी, किससे, पृथ्वी से, है ना। पृथ्वी तक चंद्रमा का प्रकाश आने में लगा समय कितना है साथियों, 1.3 सेकंड, है ना। चंद्रयान 1 जो भेजा गया था, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, चंद्रयान 1 कब गया था 2008 में, और 29 अगस्त 2009 को इसका क्या है, इसरो से संचार का माध्यम इससे पूरी तरह से टूट गया और 30 अगस्त को इसरो ने इस मिशन को बंद कर दिया। चंद्रयान 2 क्या आया था 22 जुलाई 2019 को, लेकिन जैसे ही ये चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला होता है उससे मात्र 2.1 किलोमीटर पहले क्या होता है साथियों, इसके साथ, है ना, इसके साथ के इसरो का संपर्क टूट जाता है, किससे, ऑर्बिटर तो छोड़ देता है किसको, लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोजर को, रोवर को, और रोवर का जब संपर्क टूट जाता है तो 2.1 किलोमीटर पहले इसरो का इससे संपर्क टूट जाता है। और इसी के साथ साथियों के इसरो का आगे का प्लान क्या है, तो चंद्रयान 3 के बारे में इसरो ने कहा है कि हम 2023 और 24 में क्या कर देंगे, चंद्रयान 2 चंद्रमा पर भेज देंगे। अब ये डेट संभावित है तो आगामी पेपर में पूछा जाएगा, तो अब 2023 और 24 के आसपास लगाकर चले आएंगे। तो चंद्रयान 2 के बारे में जाने 22 जुलाई को इसमें जो रॉकेट पेश किया गया था चंद्रयान 2 में, GSLV MK3 था, इसमें कौन सा था, PSLV C11, है ना। इसके समय जो इसरो के चीफ थे वो कौन थे, माधवन राव जी, माधवन, और इस समय कौन थे, के सिवान, है ना। इसी के साथ हमने बताया था मंगलयान कब गया था साथियों, मार्स ऑर्बिट मिशन, तो मंगलयान कब गया था बताइए, तो मंगलयान गया था हमारा 2013 में गया था और 14 मंगल की कक्षा में उसने प्रवेश किया था, और उसके द्वारा जो रॉकेट पे प्रयोग किया गया था वो किया गया था PSLV C25, है ना। और भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश बन गया जो अपने प्रथम प्रयास में मंगल की कक्षा में क्या किया, उसने प्रवेश किया। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीज समझ में आई होंगी, एक बार थोड़ा सा फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अमावस्या को पूरी पूरी होती है काली रात, सूर्य की किरणें पीछे वाले हिस्से पर पड़ती है, फिर थोड़ा सा घूमता है, फिर यहां ज्यादा होती चली जाती है इधर, और यहां पर पूरा का पूरा, है ना, यहां से हल्का काला होता है, फिर और ज्यादा, और अंत में आकर पूरा काला हो जाता है। इतनी बात है, उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आई होंगी। यहां से सीधे सीधे सवाल पूछेगा कि चंद्रमा जब पृथ्वी से कम दूरी पर होता है उस अवस्था को क्या कहते हैं, पेरोजी, है ना, और पेरोजी को हिंदी में बोलते हैं साथियों उपभू, है ना। तो कल इसमें थोड़ा सा दिक्कत आई थी, उपभू, है ना, और इसको बोलते हैं साथियों अपभू, है ना। जो चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच दूरी जो होती है अधिकतम होती है तो उसे क्या बोल देंगे हम, एपोजी, जैसे हम हिंदी में अपभू, और निकट जो होगा तो पेरोजी उपभू, है ना। चंद्रयान 1 के बारे में जाना, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, है ना। अभी इसके बारे में रॉकेट थोड़ी बता सकते हैं क्योंकि अभी तो भेजा जाना है ना, लेकिन इनके बारे में पता है कि GSLV MK3 और PSLV C11, मंगलयान की पूछ लेगा तो बता देंगे कि PSLV C25, है ना। ज्यादा से ज्यादा बात पढ़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। चलते हैं आगे, थोड़ा सा जानेंगे पृथ्वी के बारे में, है ना। अच्छा, पृथ्वी का आकार कैसा है ना, क्या पृथ्वी अंडाकार है, गोलाकार है या फिर जॉइड है ना। तो पृथ्वी का कहना सबसे उचित रहेगा कि पृथ्वी नारंगी जैसी है ना, है ना। नारंगी कैसी होती है, किनारों पर थोड़ी सी जो बीच में होती है वो थोड़ी सी उठी हुई होती है ना। तो भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी उठी हुई है और ध्रुवों पर चपटी हुई है हमारी जो पृथ्वी है ना। आगे चलेंगे, आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करेंगे किसके बारे में साथियों, पृथ्वी के बारे में। तो साथियों पृथ्वी अपनी अक्ष से कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, है ना। आप तुमने सुना होगा कि पृथ्वी पर दिन और रात का होना किसका सूचक है, है ना। पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वो किसके कारण होते हैं, तो सीधी सीधी बात है कि भाई पृथ्वी घूमती है
तो पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, लेकिन दिन के दिन व रात का छोटा बड़ा होना तो कैसे कारण है भाई, कि एक तो अपने अक्ष पर झुकाव और परिक्रमण के कारण है ना, इसलिए दिन व रात का छोटा बड़ा होना सीधा कारण है ना, तो परिक्रमण और अपने अक्ष से झुकाव के कारण। यहां पर थोड़ा सा देखेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे मान के चलो ये साथियों क्या है, पृथ्वी है ना, और ये साथियों पृथ्वी का क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, तो ये क्या है साथियों पृथ्वी का बिल्कुल मिड पॉइंट है ना। अब पृथ्वी का मिड पॉइंट है तो देखो साथियों ये मैंने खींच दिया है ना, तो ये अपनी अक्ष से कितने एंगल कितने डिग्री का कोण बनाती है साथियों, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा 23.5 डिग्री का है ना, और देखो साथियों 23.5 डिग्री का ये एंगल बनेगा, तो 23.5 अगर ये होगा तो 23.5 ये होगा है ना। अब ये एंगल जो बनेगा ये वाला एंगल कितने का होगा, तो पूरा होता है 90 डिग्री का, और ये बनेगा 66.5 डिग्री है ना। तो पृथ्वी अपनी अक्ष से कितनी झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री, और अपनी अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो आगे जानेंगे थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में है ना। तो साथियों पृथ्वी है ना, तो देखो मान के चलो ये पृथ्वी का क्या है, इक्वेटर है ना, जिसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा, है ना, और ये साथियों क्या क्या बोलेंगे हम, है ना, तो थोड़ा सा एक्सेस हो गया है ना, ये इक्वेटर ना बैठेगा फिर है ना, ये तो एक्सेस वाला हो गया है ना, इक्वेटर जाएगा साथियों यहां से है ना, तो इसे काले से कले देने थोड़ा सा दिखाई देगा आपको, इक्वेटर है ये साथियों, ये क्या है इक्वेटर, जिसे हम बोलते हैं क्या, भूमध्य रेखा है ना। और साथ ही अब ये इक्वेटर हो गया, तो ये पृथ्वी का क्या है नॉर्थ पोल, और ये पृथ्वी का क्या है साथियों साउथ पोल है ना, यानी इसे क्या बोल सकते हैं हम, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है ना, और इसे क्या बोल सकते हैं साथियों हम, उत्तरी ध्रुव है ना। आज समझ में आया गया साथियों ये क्या है इक्वेटर है ना, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। आगे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि इसका ध्रुवीय व्यास कितना है और इसका भूमध्य रेखीय व्यास आखिर है कितना है ना। तो इसका ध्रुवीय व्यास जो होता है वो 12714 है, और भूमध्य रेखीय व्यास क्या होता है कि 12756 होता है ना, तो 12714 तथा 12756 होता है ना। तो यहां में देखेंगे भूमध्य रेखीय व्यास, अब पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं है ना, तो समझ लेंगे इसका भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है साथियों, भूमध्य रेखीय व्यास 12756 है ना। अब साथियों किसके बारे में बात करेंगे, ध्रुवीय व्यास, तो कितना होता है 12714। यूपी के एग्जामों में और स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी जेई है ना, या फिर यूपी पीसीएल के एग्जाम में सीधे सीधे मुझे आता है कि भाई ये बताइए कि भूमध्य रेखीय व्यास से ध्रुवीय व्यास कितना कम है, या फिर ध्रुवीय व्यास से भूमध्य रेखीय व्यास कितना ज्यादा है। तो आप जैसे कि सामने देख पा रहे हैं कि 12756 और 12714, तो कितना काटेगा, 56 में से 14 जाएंगे तो टोटल बचेगा साथियों 42 है ना, और जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है ना। तो 42 की जगह 40 कभी भी नहीं होगा, चाहे किसी भी किताब में क्यों ना हो, मतलब 42 है तो 42 ही होगा है ना, क्योंकि देखो हमें वो मानना है जो बोर्ड कहता है ना, तो क्योंकि हमें लाने हैं सिर्फ नंबर है ना, हमारा 2 नंबर का सही होगा है ना। अगर वो सामने वाला कह रहा है कि भाई 42 की जगह 39 है ना, और उसके डाटा में 39 सही है, तो फिर हम 39 ही करेंगे है ना। तो 40 कहीं कहीं भी देखा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है 42 है ना, और बोर्ड भी यही मानता है कि इसका कितना ज्यादा है ध्रुवीय भूमध्य रेखा व्यास, तो वो कितना ज्यादा है साथियों 42 ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है 42 है ना। तो यहां पर देखेंगे भूमध्य रेखीय व्यास व
ध्रुवीय व्यास का अंतर बराबर 42 किलोमीटर है ना। अच्छा अभी जानेंगे यहां पर कि पृथ्वी का आकार कैसा है। तो पृथ्वी कैसे गोलाकार है, जिसे हम जियोइड कहते हैं, है ना, जैसे नारंगी जैसी, तो गोलाकार सही रहेगा, है ना। और ये क्या है, ये देखो ये हो गया इक्वेटर, है ना, ये मैंने बताया था कि इक्वेटर है ना, इस पर क्या है पृथ्वी है ना, थोड़ी सी उभरी हुई है, साथ ही यहां पर कैसी हुई है, उभरी हुई है ना। और ये जो ध्रुव है यहां पर, ये थोड़ी चपटी है ना, थोड़ी सी क्या है साथियों, दबी हुई है ना, तो सी थोड़ी सी हल्की सी दबी हुई है, तो इसका उत्तरी ध्रुव पर चपटी हुई है। अभी बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में घूमती है, तो साथ ही सभी को पता होगा लगभग 23 घंटे, है ना। अब 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड को क्या लिखेंगे, सीधे क्या लिखेंगे, 24 घंटे, है ना। तुमसे सीधे सीधे ना पूछेगा, है ना, इतना वैसा ना पूछते सवाल, है ना। घूर्णन का समय क्या है, अपने अक्ष पर घूर्णन, तो 23 24 घंटे मान लेंगे, है ना, तो 24 घंटे में लगभग क्या होता है, घूम जाते हैं ना। साथ ही कम से कम हजारों सालों बाद ये दिन जो 24 घंटे का होता है ना, तो इस टाइम में 25 घंटे का हुआ करेगा, है ना, क्योंकि पृथ्वी की जो घूमने की स्पीड है वो निरंतर कम हो रही है ना। तो ये मत मानो कि क्या है वो सूर्य के पड़ते जो घूम रही है पृथ्वी, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, निरंतर कम हो रही है, तो दिन भी होगा किसका, 25 घंटे का, और आगे आने वाला भी साल का भी टाइम बढ़ेगा। अब बेशक 365 होता है, आगे लीप वर्ष में 366, तो आगे और भी कुछ हो सकता है ना। आगे देखेंगे साथियों, सूर्य के परिधि परिक्रमा, परिक्रमा में लगा समय कितना लगता है साथियों, 365 दिन, और लगभग मान सकते हैं इसे कितने घंटे, 6 घंटे, है ना, क्योंकि 5 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड, तो क्या ही याद करेंगे, तो सीधे सीधे होंगे सूर्य के प्रति परिक्रमा करने में लगा समय कितना होता है, 365 दिन 6 घंटे, है ना। और ये 6 घंटे 6 चौक 24 हो जाता है, और ये आगे चलकर लीप वर्ष में काउंट हो जाता है, तो लीप वर्ष हो जाता है साथियों 366 दिन का। तो लीप वर्ष कितने का हो जाता है, 366 दिन का। पृथ्वी का आकार जोएड गोलाकार होता है, उत्तरी ध्रुव पर ये, मतलब सीधी बात है कि ध्रुवों पर ये पृथ्वी कैसी है, चपटी हुई है, और भूमध्य रेखा पर ये थोड़ी सी उभरी हुई है पृथ्वी, है ना। तो यहां पर पहला हमारे सवाल आया, पेपर सीधा सीधे पूछेगा कि बताइए कि पृथ्वी अपनी अक्ष से कितना झुकी हुई है, समझना कि पृथ्वी अपनी अक्ष से कितना झुकी हुई है, तो कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। फिर पूछेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का, है ना। तो दोनों सवाल क्लियर हो गए, है ना। अब आगे देखेंगे कि इक्वेटर है ना, घूर्णन में लगा समय लगभग 24 घंटे, सूर्य के पड़ते परिक्रमा में लगा समय तो 365 दिन 6 घंटे, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना होता है, 12,756, और ध्रुवीय व्यास कितना होता है साथियों, 12,714। भूमध्य रेखीय व्यास में ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना होता है, 42 किलोमीटर। सीधे सीधे याद रखें कितना होता है साथियों, 42 किलोमीटर, है ना। आगे देखेंगे हम एक चीज, पृथ्वी पर कितना जल है और कितना क्या है, मैदानी भाग है, मतलब कितना स्थल है ना। तो यहां पर थोड़ी सी जगह बची है ना, क्योंकि ये डायग्राम मिट जाएगा ना, थोड़ा सा मजा खराब हो जाएगा, तो एक बार देख लेंगे, है ना। तो पृथ्वी पर है ना, तो कितना है जल की मात्रा, पृथ्वी पर 71% क्या है साथियों, जल है ना, और स्थल कितना है साथियों, 29% है ना, ना जल कितना है, 71%, 29% क्या है साथियों, स्थल है ना। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो कि जल कितना है 71% और स्थल कितना है 29%। तो सीधे सीधे आप ये कहेंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर यही कारण है कि पृथ्वी ऊपर से दिखाई नीली पड़ती है। अब एक चीज बताओ, है ना, तुम सामने से आ रहे हो ना, 70% तो तुमने नीले कलर के कपड़े पहन रखे हैं, है ना, और 29% क्या होता है, सफेद कलर के कपड़े पहन रखे हैं, है ना। तो सामने वाला तो यही कहेगा ना कि नीले कपड़े पहन के आ रहा है, नीला 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 हो रहा है। तो वही सारी बात है कि पृथ्वी जब ऊपर से देखते हैं हम अंतरिक्ष से, तो कैसे दिखाई देती है, नीला है।
और आसमान कैसा दिखाई देता है साथियों, काला दिखाई देता है ना। तो सीधे पेपर में सवाल पूछता है कि जब पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो कैसे दिखाई देती है, तो सीधे बता देंगे कि नीला, और अंतरिक्ष से आसमान को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, काला, है ना। तो यहां पर पृथ्वी की मात्रा हो गई सूर्य के पड़ते घूर्णन घड़ी में 24 घंटे, उत्तरी ध्रुव पर चपटी हुई, ध्रुवों पर यह चपटी हुई है और भूमध्य रेखा पर यह उभरी हुई है, और भूमध्य रेखा व्यास पर ध्रुवीय व्यास का अंतर कितना है, 42 किलोमीटर, है ना। आगे बात करेंगे थोड़े से बारे में घूर्णन के बारे में, है ना, घूर्णन में परिक्रमण के प्रकार, तो ये मिटा देंगे थोड़ा सा, ये तो ये सारी चीजें मिटा देंगे, डायग्राम बना रहेगा अंत तक, है ना। तो हम थोड़े से ही काम कर लेंगे, है ना, क्योंकि थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं इस पे हो जाएगा। देखो पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव, घूर्णन गति के प्रभाव क्या हैं, दिन व रात का होना। देखिए साथियों, जब पृथ्वी घूमती है, जब सूर्य की रोशनी नॉर्थ पोल पर पड़ती है तो साउथ पोल जो होता है वो पूरा कैसा, ये वाला हिस्सा, है ना, जब ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला बिल्कुल अंधकार में होता है ना, और जब इस पर सूर्य किरणें जाती हैं तो ये वाला क्या होता है, अंधेरे में होता है ना। तो घूर्णन गति के प्रभाव क्या है कि दिन व रात का होना, है ना। अच्छा, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, ऋतु परिवर्तन, है ना। तो परिक्रमण व अक्षीय झुकाव के कारण, ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है साथियों, अक्षय झुकाव के कारण, है ना। अब देखो दिन व रात का छोटा और बड़ा होना, दिन व रात का छोटा व बड़ा होना किसके कारण होता है साथियों, अक्षय झुकाव वे परिक्रमण के कारण। तो समझ पा रहे हो क्यों शेरो, समझ पा रहे हो ना कि यहां पे क्या है, घूर्णन गति के प्रभाव, दिन व रात का होना। तो भाई अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन व रात होंगे, लेकिन हाँ भाई छोटे बड़े क्यों होंगे, एक तो परिक्रमण और वो अपनी अक्ष पर झुकी हुई है ना। दिन व रात का होना घूर्णन के कारण हो सकते हैं, लेकिन ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण में अक्षय झुकाव के कारण, और दिन व रात का होता है अक्षय झुकाव परिक्रमण के कारण, है ना। तो मन में एक सवाल आ रहा होगा, है ना, कि सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो सबसे छोटा दिन आपको पता ही होगा कि हम बात करेंगे पृथ्वी के नॉर्थ पोल की, है ना, क्योंकि साउथ पोल हो नॉर्थ पोल हो थोड़ा सा उल्टा होता है ना। तो यहां पर बात करेंगे सबसे बड़ा दिन, है ना, नॉर्थ पोल, है ना, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, है ना। और जो भारत पड़ता है साथियों, किस गोलार्ध में पड़ता है, तो सभी को पता है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध पड़ता है भारत, है ना। यहां पर जो एक डेट आती है 21 जून, है ना, सबसे बड़ा दिन, है ना। और एक साथी दूसरी डेट आती है कौन सी 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन। एक डेट आती है साथी 21 मार्च, इसके बाद आती है 21 मार्च में 23 सितंबर, 21 मार्च में 23 सितंबर। तो 21 मार्च में 23 सितंबर क्या होता है, दिन व रात की अवधि क्या होती है साथियों, बराबर होती है। उम्मीद कर रहे हैं ये चीज समझ में आ रही होंगी, है ना। हम बात कर रहे हैं स्पेशल किसकी, नॉर्थ पोल की। नॉर्थ पोल पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध, है ना। देखो भारत की स्थिति क्या है कि भारत पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, है ना। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट ईस्ट वेस्ट, है ना, भारत पड़ता है किस वाले भाग, है ना। तो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में,
21 जून को नॉर्थ पोल में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है, 22 दिसंबर होता है सबसे छोटा दिन, है ना। लेकिन 21 मार्च में 23 दिसंबर में दिन व रात की अवधि बराबर होती है, और ये दोनों में बराबर होती है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो। क्योंकि रीजन क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर इन दोनों दिन क्या होता है कि सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, यानी परपेंडिकुलर पड़ती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती है ना। तो 21 मार्च में 23 सितंबर दिन व रात को अवधि बराबर होती है ना। तो ये वाली जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा, इस पर क्या पड़ेगी, सूर्य की रोशनी बराबर पड़ेगी, और जब भाई बराबर पड़ेगी तो दिन और रात की अवधि भी कैसी होगी, बराबर होगी, लगभग 12-12 घंटे होगी, है ना। अच्छा साथियों, इसकी सूर्य से दूरी कितनी है पृथ्वी की, है ना, तो सूर्य से दूरी कितनी है ना, तो हमने बताया था कि युग सहस्त्र योजन पर भानु लीजो ताही मधुर फल जानू, है ना। हनुमान चालीसा में तुलसीदास ने पहले ही बता दिया था कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, और उस दूरी को हम जानते हैं किसके बारे में, खगोलीय इकाई के बारे में। असल में खगोलीय इकाई होती क्या है कि पृथ्वी से लेकर जो सूर्य की दूरी होती है उसे खगोलीय इकाई या फिर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं। अब साथियों, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस होती क्या है, है ना, तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है, जैसा कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, थोड़ी सी जगह बाकी है, तो कितनी होती है, 1.49 × 10^11 मीटर, है ना, 1.49 × 10^11 मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पार्सेक, और उसके बाद आता है प्रकाश वर्ष, है ना। गुणन गति के प्रभाव, दिन में रात का होना, ऋतु परिवर्तन, परिक्रमण का अक्ष झुकाव के कारण जो मौसम बदलता है ना। देखो ऋतु कितनी प्रकार की होती है ना, मुख्य रूप से ऋतु जो होती है तीन प्रकार की होती है ना, वैसे हम बोल देते हैं, है ना, तीन प्रकार की, चार प्रकार की, है ना। तो सबसे पहले ऋतु कौन सी आती है, ग्रीष्म ऋतु, है ना, वर्षा ऋतु, और शरद ऋतु, और शीत ऋतु, है ना। तो कितने प्रकार की होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, और शरद ऋतु, और शीत ऋतु, है ना। ग्रीष्म ऋतु में तगड़ी करके क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है ना। उसके ग्रीष्म ऋतु के बाद कौन सी ऋतु आ जाती है, वर्षा ऋतु। वर्षा के बाद जैसे ही सितंबर का महीना थोड़ा बहुत कम होता है, अब सितंबर अंत में पहुंचेगा, तो अक्टूबर और आधे नवंबर का महीना कैसा रहेगा, लगभग नवंबर का महीना तो ठंड ठंडी हवाएं चलेंगी, है ना, सुबह शाम में हल्की हल्की क्या होती है, ठंड होती है। लेकिन जो दिसंबर का महीना होगा, दिसंबर और जनवरी का, यह महीना पूरा फ्रीजिट करने वाला होगा, तो उस ऋतु को बोलते हैं हम शीत ऋतु। और उसके बाद थोड़ी सी पतझड़ वाली ऋतु आ जाती है, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं बसंत ऋतु के बारे में, लेकिन हम बसंत ऋतु को आगे चल के काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो वो सारी चीजें, है ना। तो क्या होता है साथियों कि ऋतु होती है मुख्य रूप से चार प्रकार की, कौन से, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, और शीत ऋतु। हम बसंत ऋतु को आगे चल के काउंट नहीं करते। पृथ्वी पर जल कितना पाया जाता है, 71%, और स्थल का इतना पाया जाता है 29%, है ना। नॉर्थ पोल में भारत पड़ता है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। 21 जून को सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे छोटा दिन होता है, 21 मार्च में 23 दिसंबर को चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे क्या हो साथियों, साउथ पोल हो, तो क्या होता है, इक्वल होती है दिन की अवधि, है ना। गुणन गति के प्रभाव, दिन व रात का होना, ऋतु परिवर्तन, परिक्रमण, अक्ष झुकाव के कारण, दिन व रात का छोटा बड़ा होना अक्ष झुकाव के कारण। तो इतनी बातें समय समझ में आई होंगी, है ना, परिक्रमण का दिन व रात का अवधि क्या होती है साथियों, छोटी बड़ी होती चली जाती है ना। अच्छा पढ़ाया था कि इसकी जो कैसी होती है, ज्वेड आकार की होती है ना। और पृथ्वी साथियों एकमात्र ऐसा उपग्रह है जो सॉरी ग्रह है जिस पर जीवन संभव है ना। बाकी हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, है? अगर संभव करो ऐसा होता कि इंटरनेट का माध्यम होता और तुम्हारी कहां से क्लास चल रही होती, मंगल से पढ़ा रहे होते, तो मंगल से तो ये संभावना है साथियों कि एलियन ही पढ़ा रहे होते तुम्हें, है ना। और एलियन किस भाषा में पढ़ाते हैं ना, अगर मंगल पर जीवन होता और वहां से हमारे इसरो, नासा, रोसकॉस्मोस या फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी वहां से संपर्क साध लेती और वहां से सैटेलाइट के द्वारा हमको और आपको पढ़ाया जा रहा होता, तो कितना अचंभित वाला होता, है ना, कि किसी दूसरे प्लैनेट का प्राणी हमें पढ़ा रहा है ना। देखो बहुत लोग कहते हैं मोटिवेशन मोटिवेशन, है ना, तो आज के लिए मोटिवेशन के बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे। देखो आप किसी भी फील्ड में हो, है ना, आप कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अभी तो फिलहाल, है ना, उसके बाद कुछ और करोगे, है ना, तो उस फील्ड के आप बेहतर से बेहतरीन खिलाड़ी बनो, और जिंदगी तुम्हें इतना देगी ना
कि तुमसे संभाला भी ना जाएगा, है ना। लेकिन बशर्ते तुम्हें उस फील्ड का बेहतर खिलाड़ी बनना है, मतलब उस इलाके में तुम्हारे जैसा कोई ना हो, है ना, बेहतर से बेहतरीन खिलाड़ी, चाहे कोई भी काम करो, है ना। और असली मोटिवेशन चाहिए ना, तो वीडियो वीडियो जो क्वेश्चन रखा एक बार अपने पिताजी की तरफ देख लेना, असली मोटिवेशन वो है ना, जो बचपन से कर रहे हैं और आज तक करते आ रहे हैं ना, सीने में आग लग जाएगी और उससे ज्यादा बेहतरीन मोटिवेशन जिंदगी में कोई हो ही नहीं सकती, है ना। अपने पिताजी की दिनचर्या देखना कि सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं, कब ने अपने परिवार गृहस्थी को चलाने के लिए उन्हें क्या कुछ करना ना पड़ता, किसी से क्या कुछ कहना ना पड़ता, है ना। तो सबसे ज्यादा मोटिवेशन है हमारे पिता, हमारा परिवार, हमारी परिस्थिति, हमारी कंडीशन, है ना। और मोटिवेशन के लिए मेरे अनुसार और कुछ ना, है ना। लेकिन दूसरी बात है जो मोटिवेशन बाबा है उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि अपने जीवन के बेहतर, अगर तुम कुछ चाहते हो तो उस फील्ड से बेहतरीन खिलाड़ी बनो, तुम्हारे जैसा कोई ना हो, जिंदगी इतना देगी कि तुमसे संभाला भी नहीं जाएगा, है ना। तो आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हमने यहां पर पढ़ लिया था सारी चीजें, है ना। अब पढ़ेंगे, है ना, पृथ्वी की आकृति कैसी है। तो मैंने बताया था पृथ्वी की आकृति है साथियों जॉइड आकार की, है ना। और सभी को पता है कि सौर वर्ष क्या होता है, तो यही होता है सौर वर्ष, है ना। पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की जितने समय परिक्रमा करती है उसे ही साथियों हम क्या कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं, है ना। आगे थोड़ा सा हम जानेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में, है ना, थोड़ा सा जान लेंगे फिर आराम से, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी, और फिर से बता रहा हूं, है ना, हमारे लिए मोटिवेशन हमारी परिस्थिति, हमारी कंडीशन, हमारा अनुभव, हमारा परिवार और हमारे सबसे बड़े पिता, है ना। उससे ज्यादा मोटिवेशन जिंदगी में क्या ही होगा यार, है ना। हर व्यक्ति की हर कंडीशन एक जैसी होती है ना। और ये मत सोचो कि भाई चाय बनाने वाला एक वो बन गए और एक वो बन गए तो हर कोई चाय बनाने वाला अंबानी ना बन जाता, है ना। ये तो चाय बनाने वाले तो फेमस कर दिए भाई, यूट्यूब है, इंस्टा है ना। इससे पहले नहीं देख लो धीरू भाई अंबानी, है ना, धीरू भाई अंबानी क्या बेचते थे, है ना, चांदी के सिक्के बेचते थे, चांदी के बिक्के खरीद लिए, पिघला लिए, बेच दिए, बिजनेसमैन बन गए, है ना। उनके बारे में लोगों को कम पता होगा, धीरू भाई अंबानी को, मुकेश अंबानी ने उनका इतना बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया। अडानी जी क्या करते थे, पहले मजदूरी करते थे, है ना। हाँ, हर कोई मजदूरी करने वाला अडानी नहीं बन जाएगा, लेकिन हाँ अपने फील्ड में बेहतर से बेहतरीन काम करो, जो रहा है कि तुम चाय बेको, है ना। तो जो जिस काम में तुम्हारा मन लगता है ना, जिस काम को करने में तुम मजा आता है, पैसे की फिगर ना होती, है ना, हमें उस काम से सेटिस्फेक्शन होता है, हमें उस काम से क्या होता है साथियों, खुशी मिलती है। और उस काम को इतने बेहतरीन ढंग से करो, चाहे मैं चाय की नगर, अगर तुम्हें चाय बनानी है तो चाय बनाओ, है ना, अगर चाय बनानी आती तो दूसरा काम करो। तो उसी तरीके से, है ना, जो काम तुम्हें आता है वो करो कि इससे बेहतरीन तरीके से, है ना। तो अभी हम जानेंगे इसके बारे में अक्षांश व देशांतर। साथियों ये क्या है, हमारी मान के चलो ये क्या है, पृथ्वी है, है ना। तो थोड़ी सी आठ शुरू से कमजोर रही है, फिर से बनाने की कोशिश करेंगे, चलो, है ना। ये क्या है, पृथ्वी, है ना। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा, सॉरी भूमध्य रेखा, है ना। और इसके समांतर सभी रेखाओं क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा, है ना। तो ये पृथ्वी है, है ना। तो ये कोणीय दूरी है ना, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली कोणीय दूरी, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, और वास्तव में ये दूरी कैसे जा रही है, इधर होके जा रही है ना, पीछे होके जा रही होगी, है ना। तो इसके इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, जिसे इक्वेटर बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर दूसरे शब्दों में बोलते हैं इसे विषुवत रेखा। साथियों एक होता है नॉर्थ पोल, है ना, और एक होता है साउथ पोल, है ना। नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। तो नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा, है ना। तो साथियों ये रेखा कौन सी है, जीरो डिग्री देशांतर रेखा, है ना। तो कैसी है साथियों, जीरो डिग्री देशांतर रेखा है, और ये कौन सी है, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा,
देखो साथियों, इनके मध्य की जो दूरी होती है वो लगभग बराबर होती है, लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनके जो मध्य की दूरी होती है बराबर नहीं होती है। मैं आपको एक तरीके से समझाऊंगा, फिर आपको लगेगा कि हाँ जी बराबर नहीं होती है ना। तो मान के चलो कि ये कितनी है, तो ये है साथियों 23.5 डिग्री है ना अक्षांश रेखा। देखो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, चमक रहा होगा है ना। मैं एक बार देख लेता हूं चमक रहा है नहीं चमक रहा, तो चमक रहा है ना, थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो चमक रहा है, कर्क रेखा। और इसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना। और ये क्या है साथियों, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है ना, 23.5 डिग्री ये साथियों उत्तरी अक्षांश है ना, क्योंकि उत्तर वाले पार में पड़ता है ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है ना। तो एक बार लिख देंगे दक्षिणी अक्षांश, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना, है ना कैप्रिकॉन है ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है ना, जिसे हम बोलते हैं मकर रेखा। तो किस नाम जानते हैं साथियों, हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं है ना, है ना। तो मकर रेखा के नाम से हम इसे जानते हैं ना। अब देखो कर्क रेखाएं, ये जो कर्क अक्षांश रेखाएं ये कुछ इस तरीके से होती है ना, है ना। तो थोड़ा सा मैं एग्जैक्ट नहीं खींच पा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इनके जो मध्य की दूरी होती है ना वो लगभग बराबर होती है। कितनी होती है साथियों, लगभग कैसी होती है, बराबर होती है ना। और ये दूरी ध्रुवों की तरफ जाते हुए कैसे होती जाती है साथियों, कम होती जाती है ना। कैसे होती जा रही है साथियों, दूरी कम होती जा, वो इसकी अक्षांश रेखा की लंबाई जो है कम होती जा रही है ना, है ना। देखो यहाँ पे ये सबसे चौड़ा था, यहाँ पे ये कम होता चला गया है ना। आगे देखेंगे हम, देखो ये क्या होगी अक्षांश रेखा हमने सारी खींच दी है ना, और ये क्या है हमारी देशांतर रेखा है ना। देखो इनके ये एक दूसरे के समांतर हैं नहीं है ना, समांतर है ना, ये एक दूसरे के कैसे है साथियों, समांतर नहीं है। है ना, ये एक दूसरे के कैसे है साथियों, समांतर नहीं है, है ना। तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर में एक मेजर डिफरेंस हो गया कि अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, जबकि देशांतर रेखा एक दूसरे के समांतर नहीं होती है ना। यहां पर देखेंगे अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा की जो संख्या होती है साथियों वो 180 होती है ना, कहीं कहीं पर 181 भी दिखाई देती है, 0 से लेकर 90 तक है ना, 90 में डिवाइड होती है। अब यहाँ तो 8 दस है, लेकिन 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5 ये जाती है 90 तक है ना। लेकिन जबकि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है साथियों, देशांतर रेखा की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 360 है ना। अब देखो यहां पर 0 है तो 181 हो सकती है, लेकिन साथियों यहां पर 360 और 361 इसलिए ना होगा क्योंकि यहां से एक जा रही है और 180 जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा तिथि रेखा है वो बराबर है ना। देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम एक नाम से जानते हैं और इससे हम जानते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, प्राइम मेरिडियन लाइन है ना। इसे हिंदी में बोलते हैं साथियों प्रधान यामोत्तर रेखा है ना, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा है ना। और ये जो प्रधान यामोत्तर रेखा है ये कहां से होकर गुजरती है, तो साथियों ये गुजरती है लंदन के ग्रीनविच से है ना। कहां से होकर गुजरती है,
ये लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से होकर तो साथियों लंदन में एक जगह है ग्रीनविच और वहीं से रेखा गुजरती है ना। अब साथियों यहां पर जैसे मान के चलो कि मैंने एक डायरेक्शन बना दी है ना ये मैंने एक डायरेक्शन बना दी और मैं कह रहा हूं ये तो ईस्ट है ना ये वेस्ट है ये नॉर्थ है और ये साउथ है ना। तो इस वाले पॉइंट से अगर हम किसकी तरफ जाएंगे ईस्ट की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा बढ़ेगा है ना। तो देखो देशांतर रेखाओं कितनी होती है 360 देशांतर रेखाएं होती है ना। दिन में होते हैं 24 घंटे है ना। तो एक घंटे में कितनी देशांतर रेखाएं चलेंगी तो 12 दूनी 24 12 थी 36 तो 15 है ना। तो एक घंटे में कितनी दूरी चलेगी 15 देशांतर है ना। और साथ ही फिर 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा एक देशांतर है ना। तो पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर की दूरी तय करती है मतलब पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर घूमती है। जैसा कि आपको समझ आ रहा होगा पृथ्वी एक मिनट में कितनी देशांतर घूमती है 4 देशांतर घूमती है ना और एक घंटे में 15 देशांतर है ना। अब देखो पृथ्वी का जो भारत का जो मानक समय माना गया है वो कितना माना गया है मैं यहां पे लिख रहा हूं है ना। थोड़ा सा हो तो रहा है थोड़ा सा लेकिन हम यहां पे लिख रहे तो मानक समय माना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कितना माना है साथियों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। कर्क रेखा के ऊपर लिखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लेकिन भारत का समय है वो 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे साथियों 5.5 घंटे घंटे निकाल लें तो साथियों 4 मिनट में एक देशांतर घूमती है ना और एक घंटे 15 देशांतर है ना। तो 82 कर लो है ना। तो जैसे कि यहां पर थोड़ी सी जगह है हम देखो यहां पर तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे है ना। तो वैसे तो आप समझदार हो समझ ही लेंगे लेकिन एक बार फिर भी देखेंगे तो देखो 75 देशांतर है ना 75 देशांतर के तो हो गए 15 घंटे सॉरी 5 घंटे क्योंकि 15 बन जाए 75 अब 5 वो बचा और 2.5 वो बचा है ना। तो 7.5 मिनट बचे 7.5 देशांतर बचे है ना। तो 7 × 2 = 14 15/2 है ना मिनट का समय आ गया है ना। और एक मिनट में कितनी घूमती है ना 4 मिनट में एक देशांतर है ना। तो 4 मिनट में एक देशांतर और ये 15/2 देशांतर गुणा 4 तो 2 × 4 तो 30 मिनट और हो जाएगा है ना। इसलिए जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से भारत का समय है वो 5.5 घंटे क्या है आगे है यही रीजन होता है ना। तो ये आपको बात समझ में आई होगी उम्मीद करते हैं कि इतनी चीजें समझ में आई होंगी है ना। अब यहां पर देखेंगे कि भैया अक्षांश और देशांतर की जो एक बार परिभाषा है वो फिर से बताइए है ना। तो आपकी बुक में होगा और लिख भी लेंगे और सुन भी लेंगे है ना। तो क्या है साथियों अक्षांश और देशांतर की जो परिभाषा है वो अक्षांश और देशांतर की परिभाषा ये है कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली कोणीय दूरी को क्या कहते हैं हम क्या बोलते हैं कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा बोलते हैं और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। तो यही है अक्षांश रेखा पृथ्वी के जो परत जो कोणीय दूरी पाई जाती है उसी को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं ना। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं तो हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों 180 और देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों 360 है ना। तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं साथियों हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ना जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। आगे जाएंगे हम थोड़ा सा और डिटेल में बाद में देखेंगे कि यहां पर एक रेखा होती है 66.5 डिग्री कौन से में नॉर्थ पोल में है ना और उसे आप सभी को पता होगा उसे क्या बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। तो उसे हम क्या बोलेंगे साथियों आर्कटिक वृत्त और नीचे वाला जो होता है वो होता है अंटार्कटिक वृत्त है ना। तो 66.5 वाला नीचे वाला अंटार्कटिक वृत्त भारत किसमें मिलता है तो भारत किसमें मिलता है भारत होता है साथियों की स्थिति है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है ना।
तो पृथ्वी, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगे, है ना। तो भारत का जो मानक समय है वो कितना आगे है, प्राइम मेरिडियन रेखा से साढ़े कितने आगे है, 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि भारत की मानक समय रेखा बताई गई है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बताई गई है ना। तो ये अब दिमाग में सवाल आ रहा होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना मानी गई है, लेकिन ये कहां कहां से गुजरती है। तो साथियों ये कहां से गुजरती है, तो ये उत्तर प्रदेश के नैनी, जो इलाहाबाद के पास पड़ता है, वहां से रेखा गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये जो है जाती है ना। तो कितने राज्यों से होकर जाती है पूर्वी देशांतर रेखा, तो साथियों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड। तो कहां से जाती है साथियों, झारखंड से होकर जाती है ना। तो ये जो रेखा जाती है ना, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ये हमारी वाली रेखा जो भारत की जो अंत समय रेखा है। तो साथियों पृथ्वी अक्षांश में देशांतर रेखा समझ में आई होंगी, कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली कोणीय दूरी को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। आगे चलेंगे, 23.5 डिग्री वाली रेखा क्या कहलाती है नॉर्थ पोल में, तो वो कहलाती है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा और अंग्रेजी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, CNCR, है ना। आगे देखेंगे कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम किस नाम जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना, जिसे हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं। और जब किरणें किस पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, उस समय दिन और रात की अवधि क्या होती है, बिल्कुल समान होती है। और वह दिन होता है साथियों कौन सा, 21 मार्च और साथियों 23 सितंबर, है ना। 21 मार्च व 23 सितंबर क्या होता है, दिन व रात की अवधि बढ़ा होती है, चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। लेकिन जबकि किस पर दिन बड़ा होता है और किस पर दिन छोटा होता है, किस दिन, तो साथियों उत्तरी गोलार्ध में जो दिन की अवधि होती है वो दिन बड़ा होता है सबसे ज्यादा 21 जून को और छोटा होता है 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध के विषय में ये सारी चीजें विपरीत हो जाती हैं, तो दिन बड़ा हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को और छोटा हो जाता है 21 जून को, है ना। वहां हमारे यहाँ गर्मी है, तो वहां फिलहाल अभी कैसे होंगी, ठंड होंगी, है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला इलाका है, वहां फिलहाल कैसे चल रही होंगी, ठंड चल रही होंगी, है ना। तो अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, पृथ्वी का मानक समय प्राइम मेरिडियन रेखा से कितना आगे है, 5.5 घंटे। इधर जाएंगे तो कैसा होगा, टाइम प्लस में होगा, है ना। तो थोड़ा सा डार्क में लिख देते हैं, इधर जाएंगे तो कैसा होगा साथियों, टाइम होगा प्लस में। इधर जाएंगे साथियों तो कैसा होगा, टाइम होगा माइनस में, है ना। तो इतनी चीजें सी समझ में आ गई, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा, है ना। हम जानेंगे 180 देशांतर रेखा के बारे में, है ना। असल में साथियों 180 देशांतर रेखा को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, और वो अन्य नाम क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना। क्योंकि अगर हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अगर हम इधर से जाएंगे किसकी तरफ, पूर्व से पश्चिम में जाएंगे, उस रेखा को पार करेंगे, तो हमें एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन हम पश्चिम से अगर पूर्व में आ गए तो साथियों एक दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। रीजन यही है, आगे समझाएंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। इस वाले सीधे सीधे टॉपिक से सीधे सीधे सवाल आता है आपके पेपर में कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस देशांतर रेखा को कहते हैं, है ना। तो यहां पर जानेंगे इसके बारे में। देखो तो हमने जाना प्राइम मेरिडियन रेखा, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है, है ना। आगे देखेंगे हम कौन सी रेखा है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, है ना। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को हम कैसे जानते हैं, 180 देशांतर रेखा। अब समझ में आ रहा होगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे कि 23 डिग्री पूर्वी देशांतर और वो पश्चिमी देशांतर, है ना। लेकिन भाई साहब ये बिल्कुल कॉमन है, तो हम ना तो इसे पूर्वी देशांतर कह सकते ना ही इसे हम पश्चिमी देशांतर कह सकते, ये कैसी रेखा है, बिल्कुल कॉमन है। तो 180 देशांतर रेखा को हम जानते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर, है ना। और ये किसके समांतर है, ये बेरिंग जल संधि के समांतर है। तो किसके समांतर है, ये बेरिंग जल संधि के समांतर है। तो साथियों किसके समांतर है, ये बेरिंग जल संधि के समांतर है, है ना। अब बेरिंग जल संधि के बारे में सवाल आया,
तुमसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर जो है बेरिंग जल संधि ये किसके सागरों के बीच बढ़ती है, तो देखो ऊपर तो है इसके क्या बेरिंग सागर है ना, और नीचे है कौन सा चुक्ची सागर। तो ऊपर है क्या बेरिंग सागर, नीचे है चुक्ची सागर है ना। देशों की बात करें तो यूएसए का जो रूस ने दे दिया था लीज पे है ना, किसको अमेरिका को है ना, तो यूएस के अलास्का है ना, और इधर पड़ता है पूरा रूस है ना। तो रूस की बहुत बड़ी गलती थी ये, आगे चलकर यहां पर बहुत ज्यादा खनिज पाए गए और अमेरिका पहुंच गया रूस के बिल्कुल पास, नहीं होता उसका पड़ोसी देश कनाडा है ना। तो रूस की थोड़ी सी गलती साबित हुई है, ज्यादा बड़ी तो नहीं कह सकते। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर रेखा एक ही है, इसका अन्य नाम है बेरिंग जल संधि के समांतर है, बेरिंग सागर चुक सागर के मध्य पड़ती है, देश पड़ते हैं यूएसए और अलास्का है ना। देखो मान के चलो ये है क्या है 180 देशांतर रेखा है ना, और ये भाग है पूर्वी और ये भाग है पश्चिमी है ना। तो पश्चिमी में ऐसे ना बता रहा है कि पश्चिमी कैसे है ना, ये मैं ग्लोब के लिए बता रहा हूं, तो पूरा पश्चिम ग्लोब में किधर भी हो सकता है, एक लाइन है ना। तो देखो यहां पर अगर 21 तारीख है ना, 21 जून है ना, तो अगर हम यहां से इधर जाएंगे तो हम पहुंचेंगे 20 जून, किस तारीख में पहुंचेंगे 20 जून में। लेकिन साथ ही अगर यहां पर 20 जून है तो दूसरी डेट ले लेते हैं है ना, यहां पर 15 मई है ना, तो हम यहां पर किस में पहुंच जाएंगे 16 मई में है ना। तो भैया यहां पर दिन की अवधि क्या होती है बढ़ जाती है, इधर से इधर आने में दिन की अवधि क्या हो जाती है घट जाती है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज हम तुम्हें समझा पाए होंगे कि जब हम पूरब से पश्चिम ये बीच में पड़ती है 180 देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 21 जून को जाएंगे तो हम तिथि रेखा पार करेंगे तो वहां ऑटोमेटिकली क्या लगाई जाएगी 20 जून लगाई जाएगी। लेकिन हम 16 मई को अगर हम यहां 15 मई से इधर आ रहे हैं पूरब की तरफ, तो 16 मई में तो हमारा एक दिन कैसा होगा साथियों, बढ़ जाएगा, मतलब एक दिन खत्म हो जाएगा, चला गया पीछे है ना। तो पूरब की ओर जाने पर समय में वृद्धि होती है और पश्चिम की ओर जाने पर समय में कमी होती है ना। तो कमी ना हो गई है ना, एक दिन निकल गया हमारा और वृद्धि कैसे होगी, एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिल गया है ना। अब आ रहा होगा कि अक्षांश और देशांतर के बीच में अंतर कितना होता है ना, थोड़ा सा देखो अब थोड़ा सा डिफरेंस कर लें है ना, तो तभी मजा आएगा है ना, थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे है ना। तो डिफरेंस से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा कि दोनों में अंतर क्या क्या है ना, ऐसे समझ में। तो मैं दो कॉलम बना रहा हूं, एक तो बना रहा हूं साथियों अक्षांश का और एक बना रहा हूं साथियों देशांतर का है ना। एक बना दिया मैंने अक्षांश का, तो पहली ये एक दूसरे के समांतर होती है, जैसा कि आपने पिछले चित्र में देखा एक दूसरे के समांतर होती है और ये समांतर नहीं होती जीरो डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है साथियों, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है जीरो डिग्री अक्षांश रेखा सॉरी जीरो डिग्री देशांतर रेखा नॉर्थ पोल व साउथ पोल को मिलाने वाली मुख्य रेखा है, जिसे हम किस नाम जानते हैं, जिसे हम प्रधान यामोत्तर रेखा के नाम से, किस नाम से प्रधान यामोत्तर रेखा, या फिर क्या साथ साथी हो मानक समय रेखा,
कहते हैं। संख्या में डिफरेंस कर लें थोड़ा सा, है इनकी संख्या कितनी होती है तो लगभग 180, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है 360, है ना। तो इनकी संख्या इतनी होती है 180, इनकी संख्या इतनी होती है 360, है ना। अब देखेंगे इनके मध्य दूरी, इनके मध्य दूरी, तो साथियों इनके मध्य दूरी कितनी होती है 111 किलोमीटर, है ना। तो थोड़ा सा अंतर होता है, इनके मध्य दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, तो इनके मध्य दूरी कितनी होती है 111.32 किलोमीटर, है ना। तो 320 मीटर के आसपास का अंतर आ जाता है। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में हमने थोड़ा सा डिफरेंस जाना कि एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर नहीं होती है ना, कि जैसे ये तो ऐसे ऐसे होती है ना, इस तरीके से, है ना, ये अक्षांश है ना, क्योंकि अंग्रेजी में ना क्या बोलते हैं लैटिट्यूड, है ना, और ये जो देशांतर रेखाएं होती है इन्हें क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, है ना। तो ये देख रहे हो ना थोड़ा सा ऊपर अंतर कैसा है, कम है, बीच में कैसा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। जहां अंतर समान हो उसे बोलते हैं समांतर, जहां अंतर समान नहीं हो उसे समांतर नहीं कहते, है ना। तो हमने आज जाना अक्षांश देशांतरों के बारे में, और यहां पे हमने देखा एक दूसरे के समांतर होती है, समांतर नहीं होती। ये काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है, ये एक मानक समय रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, और दूसरा काम करती है नॉर्थ पोल में साउथ पोल को मिलाती है। इनकी संख्या 360 होती है, इनकी संख्या 180 होती है, इनके मध्य दूरी 111 किलोमीटर, इनके मध्य दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। तो साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो थैंक यू।